नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो सभी एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसी कोई भी परीक्षा नहीं है जिसमें ब्लड से प्रश्न पूछा ना जाए। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने इस वीडियो में अब तक पूछे गए सभी प्रश्नों को कवर किया है। तो दोस्तों, वीडियो देखते समय आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, नोट्स बना के टेलीग्राम पे डाल दिया जाएगा और इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, जहां से आप उसे डाउनलोड कर सकेंगे। तो अब हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। हमारा पहला क्वेश्चन है, रक्त क्या होता है? रक्त जो होता है वो एक है संयोजी ऊतक। रक्त क्या होता है दोस्तों? रक्त एक संयोजी ऊतक है, जिसे कनेक्टिव टिश्यू भी कहते हैं। रक्त क्या है? रक्त एक संयोजी ऊतक है। और एग्जांपल संयोजी ऊतक के क्या होते हैं? हमारी हड्डियां हो गई और कार्टिलेज, ये संयोजी ऊतक के एग्जांपल हैं। अब जो ये रक्त होता है, इसके दो कंपोनेंट होते हैं रक्त के। इसमें क्या पाया जाता है? इसमें प्लाज्मा पाया जाता है और इसमें कड़ी काएं पाई जाती हैं, जिसे कार्पसल कहते हैं। प्लाज्मा जो रक्त में होता है वो 55% होता है और जो कणिकाएं होती हैं वो 45% होती हैं। कणिकाओं में क्या पाया जाता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स जो होती हैं, ये कणिकाओं के रूप में पाई जाती हैं। आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल, और जो होता है डब्ल्यूबीसी या श्वेत रक्त कणिकाएं, और ये प्लेटलेट्स इसमें पाए जाते हैं। प्लाज्मा है 55% होता है, प्लाज्मा में 55% भाग ब्लड का प्लाज्मा बनाता है, जिसमें 90 से 92% भाग इसका जल होता है और इसमें 6 से 8% प्रोटीन होती हैं। और जो इसमें प्रोटीन पाई जाती है, उसमें मेजर प्रोटीन जो होती है वो फाइब्रिनोजन होती है। इनका काम क्या है? ये रक्त का थक्का या क्लॉट बनने में मदद करती हैं। फाइब्रिनोजन जो होती हैं वो रक्त का थक्का बनने में या क्लॉट बनने में मदद करती हैं फाइब्रिनोजन। और जो होता है इसमें ग्लोब्यूलिन, ये प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करती है। और इसमें क्या पाया जाता है? इसमें एल्बुमिन भी पाया जाता है। दोस्तों, अगर प्लाज्मा से फाइब्रिनोजन निकाल लिया जाए तो ये सीरम बचता है। अगर प्लाज्मा से फाइब्रिनोजन निकाल लिया जाए तो सीरम बचता है। जो ये सीरम होता है इसमें से फाइब्रिनोजन नहीं पाया जाता है, इसलिए इसका थक्का नहीं बनता है, क्योंकि फाइब्रिनोजन जो होता है ये रक्त का थक्का बनने में मदद करता है। और जो ह्यूमन ब्लड का पीएच होता है, पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड वो होता है 7.4, मतलब ये हल्का क्षारीय या इसे कह सकते हैं स्लाइटली अल्कलाइन होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, रक्त लाल क्यों होता है? तो दोस्तों, जो ह्यूमन ब्लड है, अभी इसमें हमने बताया कार्पसल होती है, कार्पसल के अंतर्गत आरबीसी पाया जाता है। तो ह्यूमन ब्लड में आरबीसी में क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन ही प्रोवाइड करता है रक्त को लाल रंग। जो हीमोग्लोबिन है यही प्रोवाइड करता है रक्त को लाल रंग। अगर तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए दोस्तों, रक्त का लाल रंग क्यों होता है? हीमोग्लोबिन की वजह से। और जो ये हीमोग्लोबिन होता है ये बना होता है हीम पिगमेंट से, और ग्लोबिन ये प्रोटीन होती है। और अगर क्वेश्चन दूसरी तरह से पूछा जाए तो आप ये बताइएगा कि जो हीम पिगमेंट होता है जो हीमोग्लोबिन में पाया जाता है, यही रक्त को लाल रंग प्रोवाइड करता है। और हीमोग्लोबिन में हीम के सेंटर में
कौन सा एलिमेंट पाया जाता है? आयरन तो कभी कभी पूछा जाता है। हीमोग्लोबिन में हीम के सेंटर में कौन सा एलिमेंट पाया जाता है? आयरन। जो एडल्ट ह्यूमन होता है, एडल्ट ह्यूमन में कभी कभी पूछा जाता है कितने लीटर ब्लड पाया जाता है, तो एडल्ट ह्यूमन में 4.5 से 5.5 लीटर ब्लड वो ह्यूमन बॉडी में सर्कुलेट करता है। अगर पूछा जाए कितने लीटर ब्लड पाया जाता है, 4.5 से 4.5 लीटर ब्लड ये इतना सर्कुलेट करता है। हीमोग्लोबिन का अगर दोस्तों काम पूछा जाए तो हीमोग्लोबिन का काम होता है शरीर में किसका, गैसों का परिवहन करवाना। हीमोग्लोबिन का क्या काम होता है? हीमोग्लोबिन का काम शरीर में गैसों का परिवहन करवाना, या कह सकते हो ट्रांसपोर्ट करना गैसेस का, लाइक ऑक्सीजन इन द ह्यूमन बॉडी, ये हीमोग्लोबिन का काम है। अगर कार्य पूछा जाए तो शरीर में गैसों का परिवहन करवाना। हमारा अगला क्वेश्चन है, रक्त में क्या क्या पाया जाता है? अभी हमने बताया था रक्त के दो भाग होते हैं, जिसमें एक भाग प्लाज्मा होता है जो 55% भाग ब्लड रक्त का बनाता है, और 45% भाग में इसमें कणिकाएं या कार्पसल होती हैं। तो कार्पसल के अंतर्गत क्या था? आरबीसी था, डब्ल्यूबीसी था और प्लेटलेट्स था। अब हम सबसे पहले आरबीसी के बारे में चर्चा करेंगे। आरबीसी के बारे में चर्चा करेंगे जिसमें अगर ये पूछा जाए इसका निर्माण कहाँ होता है आरबीसी का, तो इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, या कह सकते हो बोन मैरो ऑफ ए बोन मैरो एडल्ट के बोन मैरो में आरबीसी का निर्माण होता है। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में या बोन मैरो में। अगर इसका जीवन काल या लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी पूछा जाए तो ये होता है 120 दिन का। और अगर इसका शेप पूछा जाए तो इसका शेप ये चपटी होती है, गोल होती है, तो ये बाई कॉनकेव शेप होती है। और आरबीसी में क्या नहीं पाया जाता है? आरबीसी में केंद्रक या न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, केंद्रक या न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। लेकिन दो एक्सेप्शन है इसमें, ऊंट और लामा, इनके अंतर्गत आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। जो एवरेज ह्यूमन होता है, एवरेज ह्यूमन बीइंग में अगर पूछा जाए आरबीसी कितने नंबर में पाई जाती है, तो 50 लाख या कभी कभी ऑप्शन दे देता है 5 से 5.5 मिलियन मिलियन आरबीसी होती है पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ द ब्लड में। दोस्तों अभी हमने बताया कि ब्लड में क्या होता है, ब्लड में आरबीसी होता है, आरबीसी में क्या होता है, हीमोग्लोबिन होती है। हीमोग्लोबिन के दो पार्ट होते हैं, हीम प्लस आयरन। हीम के अंदर क्या पाया जाता है? आयरन। तो अगर इन सब की कमी, मान लो अगर कभी क्वेश्चन पूछे आयरन की कमी हो जाए, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए, आरबीसी की कमी हो जाती है जब ब्लड में, तो इसे ही कहते हैं, इसकी कमी से क्या होता है? रक्त अल्पता या एनीमिया, इसे कहते हैं एनीमिया। इसकी कमी से रक्त अल्पता हो जाता है। और कभी ऑप्शन में तीनों दे दे तो ऑल ऑफ दीज, इनकी कमी से रक्त अल्पता हो जाती है। और हम एक चीज आपको बताना चाहेंगे दोस्तों, ये जो नॉर्मल नॉर्मल मैन होता है इसमें 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है एवरी 100 ml ऑफ द ब्लड में। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए 100 ml ऑफ द ब्लड में कितना हीमोग्लोबिन होता है, तो 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है। अब हम डब्ल्यूबीसी के बारे में चर्चा करेंगे। जो डब्ल्यूबीसी होती है इसे कहते हैं श्वेत रक्त कणिकाएं। ये दो टाइप की होती हैं, कणिका विहीन श्वेत रक्त कणिकाएं या एक ग्रैन्युलोसाइट, और दूसरी होती है कणिका युक्त, कणिका युक्त या ग्रैन्युलोसाइट्स। जो कणिका विहीन होती है इसमें एसिडोफिल होता है, बेसोफिल होता है और न्यूट्रोफिल होता है। और जो कणिका युक्त होती है इसमें लिम्फोसाइट्स होता है और मोनोसाइट्स होता है।
दोस्तों ये जो श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं, इनका अगर शेप पूछा जाए तो इनका शेप इररेगुलर होता है। इनके अंदर केंद्रक अगर पूछा जाए, केंद्रक पाया जाता है या नहीं, तो WBC के अंदर केंद्रक पाया जाता है, केंद्रक या न्यूक्लियस पाया जाता है, जबकि RBC के अंदर केंद्रक या न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। केवल दो ऐसे एग्जाम्पल हैं जिसमें आरबीसी के अंतर्गत न्यूक्लियस पाया जाता है, ऊंट और लामा। तो इसका मैंने शेप बता दिया, शेप इसका इररेगुलर होता है, इसमें केंद्रक पाया जाता है, और इसका जीवन काल या अगर लाइफ स्पान पूछे तो ये 4 दिन का होता है। अब कभी कभी ये पूछा जाता है कि जो श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं, श्वेत रक्त कणिकाएं, इनमें से कौन सी श्वेत रक्त कणिकाएं प्रतिरक्षण का काम करती हैं? अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो प्रतिरक्षण का काम करती हैं न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट्स, ये प्रतिरक्षण का काम करती हैं। जब कोई भी बाहर से फॉरेन बॉडी हमारे अंदर अटैक करती है या इंटर करती है तो ये न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट्स उसको खा जाती हैं और प्रतिरक्षण तंत्र को बनाए रखती हैं, या फैगोसाइटिक फंक्शन इसे कह सकते हैं, प्रतिरक्षा का काम करती हैं या फैगोसाइट फंक्शन करती हैं न्यूट्रोफिल और लिम्फोसाइट्स। और श्वेत रक्त कणिकाओं में क्या होता है, इयोसिनोफिल पाया जाता है। तो कभी कभी पूछा जाता है इन्फेक्शन को कौन रोकता है, तो इयोसिनोफिल इन्फेक्शन को रोकता है। WBC में और क्या होती है, WBC में और क्या पाई जाती है, बेसोफिल दोस्तों क्या सिक्रीट करती है, यह हिस्टामिन, सीरेटोनिन और हिपेरिन सिक्रीट करती है, और इन्वॉल्व किस में होती है, ये जहां भी इंफ्लामेशन हो रहा है वहां पे ये बेसोफिल, हिस्टामिन, सीरेटोनिन और हिपेरिन सिक्रीट करेंगी। दोस्तों अगर WBC की मात्रा, WBC या श्वेत रक्त कणिकाओं की मात्रा ब्लड में बहुत अधिक बढ़ जाए, तो उसे क्या कहते हैं, वहां पे ल्यूकीमिया या ब्लड कैंसर हो गया है। अगर WBC की मात्रा ब्लड में बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो उसे ल्यूकीमिया या ब्लड कैंसर कहते हैं। अगर नॉर्मल अमाउंट ऑफ WBC पूछे या श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या कितनी होती है ह्यूमन बॉडी में, तो 6000 से 8000 क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ द ब्लड में ये पाई जाती हैं, इतना 6000 से 8000। अब ब्लड में और क्या पाया जाता है, हमने RBC की चर्चा कर ली और WBC श्वेत रक्त कणिकाओं, अब हम प्लेटलेट्स की चर्चा करेंगे। तो प्लेटलेट्स जो होता है, इसमें इसका जो शेप होता है वो उत्तल लेंस के समान होता है, उत्तल लेंस के समान या कह सकते हैं बाई कॉन्वेक्स होता है इसका शेप, और ये शरीर को शक्ति प्रदान करने का काम करता है। अगर पूछा जाए शरीर को शक्ति प्रदान करने का काम कौन करता है, तो प्लेटलेट शरीर को शक्ति प्रदान करने का काम करता है। प्लेटलेट्स में क्या होता है, प्लेटलेट्स में केंद्रक या न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। तो अभी तक हमने पढ़ा कणिकाओं में RBC, WBC और प्लेटलेट, और जो इसका जीवन काल होता है, प्लेटलेट्स का जीवन काल जो होता है वो 7 दिन का होता है, और जो इसका अमाउंट होता है, नंबर ह्यूमन बॉडी में कितना प्लेटलेट्स पाया जाता है, तो ये 2 लाख के अराउंड पाया जाता है प्लेटलेट्स पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ द ब्लड में। हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव में औसत रक्तदाब कितना होता है। रक्तदाब का मतलब दोस्तों, इसकी इंग्लिश आप जान लीजिए, ब्लड प्रेशर। तो ये पूछ रहा है औसत रक्तदाब कितना होता है, 120 से 80 mmHg। कभी कभी क्वेश्चन ये पूछा जाता है Hg से क्या मतलब है, Hg डिनोट करता है मरकरी को। अगर क्वेश्चन पूछा जाए 120 क्या है, 120 इसका सिस्टोलिक प्रेशर है और 80 इसका क्या है, 80 इसका डायस्टोलिक प्रेशर है,
ये क्वेश्चन पूछा जाता है 120 में कौन सा सिस्टोलिक है कौन सा डायस्टोलिक है। तो 120 सिस्टोलिक प्रेशर होता है, 80 डायस्टोलिक प्रेशर होता है। जब कोई दोस्तों डॉक्टर हमारा बीपी नापता है तो वो वायुमंडलीय दाब के सापेक्ष मापता है, सापेक्ष मापता है। अगर ये पूछा जाए दोस्तों जो ये रक्त दाब है या बीपी, इसको किस यंत्र से मीजर करते हैं, तो इसको मीजर करते हैं स्फिग मैनोमीटर से। रक्त दाब को किससे मापते हैं, स्फिग मैनोमीटर से। जैसे जैसे हमारा अगला क्वेश्चन है ब्लड ग्रुप क्या होता है। अब सबसे पहले हम ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी, ब्लड ग्रुप की खोज की थी दोस्तों कार्ल लैंड स्टीनर ने। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी, कार्ल लैंड स्टीनर ने। अब ये जो दोस्तों ब्लड ग्रुप होता है इसके दो पार्ट, इसमें एंटीजन पाया जाता है जिसे हिंदी में कहते हैं प्रतिजन, और क्या पाया जाता है एंटीबॉडी। ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी पाया जाता है जिसे कहते हैं प्रतिपिंड, प्रतिपिंड। एंटीजन क्या होते हैं दोस्तों, एंटीजन वे सब्सटेंस होते हैं जो एंटीबॉडी या प्रतिपिंड के निर्माण को बढ़ाते हैं। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि एंटीबॉडी या प्रतिपिंड के निर्माण को कौन बढ़ाता है, एंटीजन। कभी कभी पूछता है प्रतिरक्षा तंत्र को क्या परिवर्तित करता है, परिवर्तित करता है। तो प्रतिरक्षा तंत्र को एंटीजन परिवर्तित करता है। दोस्तों अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए यूनिवर्सल, यूनिवर्सल डोनर कौन सा ब्लड ग्रुप है, तो ब्लड ग्रुप ओ माइनस, ये यूनिवर्सल डोनर है। इसमें एंटीजन अब्सेंट होता है। एंटीजन अगर पूछा जाए कहाँ पाया जाता है, तो एंटीजन दोस्तों पाया जाता है, एंटीजन पाया जाता है आरबीसी के सरफेस पे। और अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए एंटीबॉडी या प्रतिपिंड कहाँ पाया जाता है, तो ये प्लाज्मा में पाया जाता है। तो इसमें ब्लड ग्रुप ओ माइनस यूनिवर्सल डोनर है, इसमें एंटीजन या प्रतिजन अब्सेंट होता है, और एंटीबॉडी एंटी ए और बी पाया जाता है। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए यूनिवर्सल एक्सेप्टर, यूनिवर्सल डोनर को हम कहते हैं सर्वदाता, यूनिवर्सल एक्सेप्टर को बोलते हैं सर्वग्राही। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए सर्वग्राही कौन सा ब्लड ग्रुप है, तो वो ब्लड ग्रुप ए बी प्लस ये यूनिवर्सल एक्सेप्टर या सर्वग्राही है। इसमें एंटीजन ए और बी पाया जाता है जबकि एंटीबॉडी अब्सेंट होता है। दोस्तों अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है किसी व्यक्ति का और उसके पास टाइम नहीं है तो हमें और उसे ब्लड देना है, तो हम उसे ओ माइनस ब्लड ग्रुप देंगे, क्योंकि जो ओ माइनस ब्लड ग्रुप होता है, अभी हमने बताया जो ओ माइनस ब्लड ग्रुप होता है इसमें कोई एंटीजन नहीं होता है, ना ही इसमें कोई आरएच फैक्टर होता है, इसलिए इसको देने पर उसमें ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होगी। कभी कभी क्वेश्चन ये पूछता है दोस्तों आरएच फैक्टर किससे एसोसिएटेड होता है, तो आरएच फैक्टर जो होता है वो एसोसिएटेड होता है, या आरएच फैक्टर किससे संबंधित है, ये पाया जाता है मंकी में। कौन से मंकी में, रीसस मंकी में, रीसस बंदर में आरएच फैक्टर पाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है रक्त का थक्का कैसे बनता है। जो रक्त का थक्का होता है, रक्त का थक्का, इसके बनने में हमारी मदद करता है थ्रोम्बिन एंजाइम। रक्त का थक्का बनने में, क्वेश्चन ये पूछा जाता है रक्त का थक्का बनने में कौन सी एंजाइम मदद करता है, तो रक्त का थक्का बनने में थ्रोम्बिन एंजाइम हमारी मदद करता है। जो ये थ्रोम्बिन एंजाइम होता है ये फाइब्रिनोजन को, यहाँ पे थ्रोम्बिन एंजाइम वर्क करेगा, ये फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करता है। ये फाइब्रिन ही
रक्त का थक्का या क्लॉट, रक्त का क्लॉट बनाता है, क्योंकि ये जो फाइब्रिन होता है ये पकड़ता है जो डेड या डैमेज खराब हुए एलिमेंट हैं ब्लड के, उसको पकड़ता है और फाइब्रिन बनाता है। तो दोस्तों, इस तरह से अब तक पूछे गए सभी प्रश्नों को हम लोगों ने कवर कर लिया है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, यदि आपका कोई कमेंट या क्वेश्चन रह जाता है तो उसको जो है कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। अपने आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम उस क्वेश्चन को जरूर डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।